हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके CIIB में BRBL सब्जेक्ट, जहां मॉड्यूल डी का यूनिट 33 करने वाले हैं। यूनिट 31 एंड 32 बोथ वर रिलेटेड टू RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, विच वी हैव ऑलरेडी डन। आज हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, इट इज IT Act 2000। ओके, तो चलो एक बार मैं क्विकली चेक कर लेती हूँ मेरी तरफ से ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं। यस, एवरीथिंग सीम्स फाइन एट माई एंड। सो गाइज, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, इंटरनेट वैसे तो आ गया था 1994 में, और इंटरनेशनली IT पर लॉज भी बनने लगे, बट इंडिया में IT Act केम इन 2000। ओके, क्योंकि ई कॉमर्स बढ़ रहा था, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी, और आज हम खाली एक लोकेशन में या एक कंट्री पे ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे, हम इंटरनेशनली ट्रांजैक्ट करने लगे थे। ओके, बहुत सारी कंपनीज आ गई, जैसे हमारे पास फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, मेक माई ट्रिप, आपका अपना JIB, CIB, प्रेप। तो अब समय था, ये हम यहाँ तो हम तो एकदम नए नए हैं अभी। यस, हम 2000 के बारे में बात कर रहे हैं, उससे भी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी थी। IT Act की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लॉ चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ई कॉमर्स आ चुका था, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे थे, इसलिए, क्योंकि खाली लिमिटेड नहीं था एक कंट्री के लोकेशन में, क्योंकि इंटरनेशनली चल रहा था, ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली हो रही थी, तो हमें लॉ भी इंटरनेशनल पैरलेंस में ही चाहिए था। तो जो सोर्स लॉ बना हमारा IT Act में, होना यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UN सिट्रल बोल रहे हैं इसे हम। यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंडा क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि लीगल रिकग्निशन मिल सके जो भी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है या इंटरनेट का इस्तेमाल करके हो रही है। ओके, जैसे मान लेते हैं आपने मेक माई ट्रिप से कोई फ्लाइट बुक करी। अब जब हम कोई नॉर्मल दुकान से जाके सामान खरीदते हैं, ठीक है, फिजिकली लेते हैं, तो हमारे पास बस रिसीट आती है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डिस्क्लेमर्स चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन पता होने चाहिए, पेमेंट कैसे हो रही है, रिफंड क्या होगा, ऑल ऑफ इट ऑल्सो नीड्स टू बी देयर एंड इन पैरेलल्स विद द लॉ, एंड देयर फोर IT Act केम इन टू पिक्चर। तो लीगल रिकग्निशन क्या रहा, इसका इम्पैक्ट क्या रहा? अगर IT Act आया तो क्या हुआ, लीगल रिकग्निशन मिला जो भी इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज हो रहा था या ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस हो रहा। अब ये तो एक्ट 2000 में आया, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1950 जब रिपब्लिक हुए थे तब बन गया था, बट क्योंकि IT Act आया है, जिस वजह से करंट कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी, जैसे एविडेंस एक्ट में चेंज आया, या बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट में चेंज आया फॉर अस एज बैंकर्स, IPC इंडियन पिनल कोड में चेंजेस आया, RBI एक्ट में चेंजेस आए। क्या एक IT Act आने से सब में चेंजेस आ जाएंगे? ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल। इसको इस तरीके समझते हैं कि जब मोबाइल आया तो इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि अलार्म क्लॉक्स चली गई, मोबाइल ही कर दे रहा था काम, टेलीफोन या घड़ी वॉच ये भी हम मोबाइल से कर दे रहे हैं, रेडियो, कैलकुलेटर, नोट्स, कैमरा, सब कुछ आज मोबाइल में आने से इसकी इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। बट क्या मोबाइल आने से, इम्पैक्ट पड़ा सीजर्स के यूसेज पे, नेल कटर के यूसेज पे, स्टेपलर के यूसेज पे, ये ग्लास के यूसेज पे? नहीं ना, उसी तरीके से IT Act आने से कुछ एक्ट्स में इम्पैक्ट पड़ा, इस वजह से चेंजेस हुए। कुछ कुछ एक्ट से इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जैसे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, पावर ऑफ अटर्नी, ट्रस्ट, विल, कन्वीनियंसिंग, इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं आया। बट जैसे कि एक्ट्स मैंने आपको बताए, एविडेंस एक्ट, IPC, RBI, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, इनमें हमें चेंजेस दिखाई दिए। अभी जो हमने पिक्चर्स के रूप में बातचीत करी है, मैं उसको आपको कंटेक्स्ट में जो मैटलैब में लिखा हुआ है उसको साथ समझा रही हूँ। मॉडल लॉ जो हमने सोर्स लॉ लिया IT Act बनने के लिए, वहाँ पे UN जनरल असेंबली के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास हुआ,
1997 में, जहाँ अडॉप्ट किया गया मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डेवलप्ड बाय यूएन सिट्रल, बोले तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये हमारा सोर्स लॉ है, यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, इसे लर्न कर लीजिए अभी, ठीक है। अब रिकमेंडेशन क्या आया टू मेंबर स्टेट्स, रेजोल्यूशन जो ये पास हुआ 1997 में, इसने एनकरेज किया कि जो भी सारे मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें ये मॉडल लॉ के अंतर्गत इसको मद्देनजर रखते हुए रिवीजन लाना की जरूरत है इंडिविजुअल कंट्रीज में नेशनल लॉज के लिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जब अपनी कंट्री में कोई ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो आपकी कंट्री के लॉ यहाँ पर इम्पैक्ट कर देंगे या उसे हम फॉलो करेंगे, ठीक है। बट जुडिशियल प्रेसिडेंस या लीगल इम्प्लीकेशन क्योंकि ग्लोबली है, तो एक लॉ लेंगे तो चीज ट्रांजैक्शंस करने या लीगैलिटी की इम्प्लीकेशंस लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। एजेंडा था अडॉप्शन करने का इस मॉडल लॉ को, क्योंकि रिलायबल लीगल फ्रेमवर्क है फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, बोले तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, प्रमोट कर रहा है एफिशिएंट गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ सोर्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जैसे आज हम डिजिटल भारत की ओर चल रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी अगर हम साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम्स, यूनिफॉर्मिटी या एक कंसिस्टेंसी लाना चाह रहे हैं, अंडर द लीगैलिटी लाना चाह रहे हैं, तो विल हैव टू फॉलो सम लॉज। इसलिए मई 2000 में दोनों हाउसेज में, लोकसभा में राज्यसभा में, आईटी बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला और हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आ गया। साइबर लॉज आते हैं आईटी एक्ट के अंदर। एजेंडा क्या है, प्रोवाइड किया जा सके एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो रहा है इंडिया में, ठीक है, या इंडिया के में और सिटीजन्स द्वारा या इन फ्रॉम इंडिया इंटरनेशनली, इसमें पेपर को छोड़ के, पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन छोड़कर या स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन थो छोड़ के, जो फिजिकली है उस वो सारी ट्रांजेक्शन्स फैसिलिटेट कर रहा है एक्ट। एंड देयर फोर कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, जैसे आईपीसी में चेंज आया, इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंज आया, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट में चेंज आया, आईटीयूएसए आरबीआई एक्ट में चेंज आया, मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंटल देयर टू नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी चेंज आया। एक मिनट, मैंने पीछे कुछ पढ़ा था। चेक्स में चेंज आ गया था, प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज तो आज भी फिजिकली ही हो रहे हैं, है ना, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी चेंज आया, क्योंकि आज हमारे पास ट्रंकेटेड चेक जैसी फैसिलिटी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक चेक जैसी फैसिलिटी आ गई। यस, साइबर लॉ हैव मेजर इम्पैक्ट फॉर ई बिजनेस एंड न्यू इकॉनमी इन इंडिया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है समझा जा सके कि क्या पर्सपेक्टिव है आईटी एक्ट और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे। एजेंडा यही है कि एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा सके, एक लीगल सैंटिटी दी जा सके सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और जो भी ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हो रही है। प्लस आज कॉन्ट्रैक्ट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने पढ़ा है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो आ गए हैं। यस, तो ये एक्ट स्पेसिफाई करता है जब तक इसके विपरीत आपने अग्री नहीं किया हो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप इलेक्ट्रॉनिकली वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड्स भी एक्सेप्ट कर रहे हो, ऑफर एक्सेप्टेंस एक्सेट्रा हो रहा है, एंटायर प्रोसेस ऑफ आईसीए 1872 इज बीन फॉलोड, तो वो भी उतना ही लीगली वैलिड है और लीगली एनफोर्सेबल भी है। ये एक्ट इंडिया में अप्लाई करता है पूरे सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के अंदर, एक्सटेंड करता है ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशन अगर इंडिया के बाहर किए गए हैं किसी बंदे ने, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज किसी एक्ट के अंदर। ये अमेंडमेंट्स 3 बार ही हो चुका है, 2002 में हुआ, 2009 में हुआ, 2017 में भी हुआ है चेंजेस। ओके, अब कुछ डेफिनेशन है, देखिए यार ना बहुत खतरनाक डेफिनेशन है, इतनी डेफिनेशन हम याद नहीं कर पाएंगे, तो मैंने क्या किया है जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उन्हें तो मैं चार्ट फॉर्म में ले आई हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो हमें दी हुई है, मैं कंटेंट आपके लिए लाई हूँ बट हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आप चाहें तो उन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उन्हें मैं पिक्टोरिकली आपके लिए लाई हूँ, जैसे जैसे कि एक्सेस। ओके, एक्सेस बोले तो जब भी आप अर्थमेटिक्स लीगल मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेन राइट्स ओवर कंप्यूटर,
मोमेंट आई होप बॉडी वेट में और ठीक है हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेस का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल या मैथमेटिकल फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए अगर आप राइट्स ऑप्टेन कर रहे हो कंप्यूटर पे, कंप्यूटर सिस्टम में पे या कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्किंग पे, तो एक्सेस मिल गया है ना आपको। तो आप मेरे से पूछेंगे मैम कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क दो तीनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल, आईटी एक्ट में तीनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है एंड देयरफॉर हम भी पढ़ेंगे। ओके, एसीएस बोलो तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। यहाँ पे दो कीज रहती है, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की। प्राइवेट की क्रिएट करने के लिए, पब्लिक की वेरीफाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीएमए के स्टूडेंट्स को भी लॉ पढ़ा, वहां पे मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लासेस लीक नहीं हो, पेड क्लासेस जो है वो विदाउट पिलफरेज वो स्टूडेंट एक्सेस कर पाए, राइटफुल स्टूडेंट एक्सेस कर पाए, तो इसलिए क्या होता है एक की मेरी टीम एट आर एंड बनाती है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं प्राइवेट है वो हम शेयर नहीं कर रहे हैं, और एक पासवर्ड जो है ऑफकोर्स जो चेंज कर सकता है स्टूडेंट उसको दे दे रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के अंदर दो कीज बनती है, एक की होती है प्राइवेट, दूसरी होती है पब्लिक। प्राइवेट की क्रिएट करने के लिए, पब्लिक की वेरीफाई करने के लिए। दिस इज व्हाट व्हाट इज हैपनिंग हियर। मैं आईटी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को सिक्योर कर रही हूँ। यस, कम्युनिकेशन डिवाइस में आपके सेल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे कि ये टैब, कोई भी गैजेट हो सकता है जो आप यूज करते हो, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियोस, इमेजेस एटसेट्रा शेयर करने के। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल हाई स्पीड डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल करता है और मैनिपुलेशन मतलब इम्पल्सिस सेंड करने के लिए, ताकि प्रोवाइड की जा सके फैसिलिटीज जैसे कि इनपुट आउटपुट स्टोरेज। किसको? कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर नेटवर्क को। एक्सेस में कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क तीनों पढ़ा, कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क का रेफरेंस भी ले रहे हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल मैथमेटिकल फंक्शन का रेफरेंस भी ले रहे हैं। हमारे लिए फिर भी इजी है, ठीक है, बट बिकॉज यहाँ हमको लिखना नहीं है, हमारे लिए तो एमसीक्यूज हैं, बट व्हेन वी एज प्रोफेशनल्स स्टडी इट इन सीएस और लॉ, वहां पे लिखनी पड़ती है डेफिनेशंस, हम यहाँ पे बच गए, है ना। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में सारी डिवाइसेस, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस तो हैं, पर कैलकुलेटर हटा देंगे, कैलकुलेटर को माइनस कर देंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन वैन मैन या तो टेम्परेरी या परमानेंट कंप्यूटर नेटवर्क आ सकते हैं, ऐसे वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, है ना। साइबर सिक्योरिटी में कोई भी इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट डिवाइस कंप्यूटर जो कि प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन दे रहा है किससे? अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर यूज या डिस्क्लोजर या डिसरप्शन या मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन, तो साइबर सिक्योरिटी है। सिक्योर सिस्टम क्या है? कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर जो कि सिक्योर है, रिलायबल है, ये सब आ जाता है सिक्योर सिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम सारी डेफिनेशन नहीं करेंगे, जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके चार्ट में ले आई हूँ, बाकी आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, नोट्स में मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। एड्रेस ही वो होता है जिसको दिया जा रहा है, जैसे मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ, ठीक है, तो आप एड्रेस ही हो, मैं एड्रेसर हूँ, मैं ओरिजिनेटर हूँ, इन्फॉर्मेशन यहाँ से जा रही है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बता रखा है कौन है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एपीलेट ट्रिब्यूनल बताया हुआ है, मैं आपके साथ एमसीक्यूज करूंगा वहां देखेंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिस्ट 2 of 7 स्केड्यूल में बता रखा है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे लिस्ट 3 में बता रखा है 7 स्केड्यूल। एपिलेट ट्रिब्यूनल यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी बना है, इसलिए मैं आपके साथ फिर हाईलाइट करना चाहूंगी। इट इज सिलिकुएम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलेट ट्राइब्यूनल, हमारा एपिलेट ट्राइब्यूनल है किसके अंदर? आईटी एक्ट के अंदर। तो आपसे पूछते हैं आईटी एक्ट में एपिलेट ट्राइब्यूनल कौन है? आईटी एक्ट एपिलेट ट्राइब्यूनल है? नहीं भाई, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल इज एपिलेट ट्राइब्यूनल अंडर आईटी एक्ट, जो बना किसके अंदर है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ट्राई के अंदर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल। ओके, तो इसको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
प्राइवेट की पब्लिक की मैंने समझा दिया है आपको। ओके, सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो कि लाइसेंस देती है, इश्यू करती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर मुझे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी से लूंगी, कहने का मतलब ये। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कंट्रोलर या कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है जो कि इस लॉ में बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया है। डेटा में साइन इन्फॉर्मेशन आ जाती है डिजिटल सिग्नेचर में, जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब करने के लिए जो साइन किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वो डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश होता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप चाहें तो एक बार रीड लगा सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है। ओरिजिनेटर जहाँ से इन्फॉर्मेशन चालू हो रही है और जिसको अक्नॉलेज मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आप बन जा रहे हैं अड्रेसी, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहते हो, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस होता है जब गवर्नमेंट एजेंसीज इंफॉर्मेशन का या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं किस लिए, टू ट्रांसफॉर्म रिलेशंस विद सिटीजन बिजनेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों हम, इस्तेमाल तो कर रहे हैं ई गवर्नेंस में, इस्तेमाल किसका कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन का या कम्युनिकेशन का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव आईटी एक्ट का है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लेकर आना, इसलिए हम डिजिटल भारत की ओर भी चल रहे हैं। ठीक है, अब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज क्या है, चैप्टर 6 में बता रखा है। अगेन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक्ट्स ये डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट ये डेटा है जो आप अगर कर सकते हैं लर्न तो करना चाहिए। चैप्टर 6 बात करता है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इन आईटी एक्ट। एक्ट में स्टैब्लिश किया गया है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ओवरसी करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के स्टैंडर्ड्स हैं, बेंचमार्क्स हैं, पैरामीटर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। वो कौन कर रहा है, कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ही कर रहा है। क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है कंट्रोलर, सेक्शन 18 में बता रखा है। सेक्शन आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बट ये फंक्शंस को मैं कंसोलिडेटेड वे में आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि सुपरवाइज करेगा जो भी काम कर रही है, जो भी एक्टिविटीज कर रही है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, सर्टिफिकेशन देगा पब्लिक कीज, प्राइवेट वॉज टू क्रिएट, पब्लिक वॉज टू वेरीफाई, यस, स्टैंडर्ड सेटिंग करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की, क्वालिफिकेशन देगा अगर आप एम्प्लॉय हो इस अथॉरिटी के अंदर तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कंडीशंस है ऑपरेशन करने के लिए और जिसके अंदर आप काम कर सकते हो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अंदर काम कर सकते हो। कंटेंट रेगुलेशन की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, और अगर पब्लिक कीज हैं तो उसकी डिटेलिंग रहेंगे। कुछ फॉर्म्स बता रखे हैं, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है ये बताया हुआ है। ठीक है, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, उनकी रेमुनरेशन क्या होगी, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, ऑल ऑफ दैट विल बी टोल्ड बाय दिस कंट्रोलर। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फैसिलिटेट करेगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सब्सक्राइबर रिलेशन, रेगुलेटिंग हाउ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इंटरेक्ट विद सब्सक्राइबर्स। ओके, अगर कोई लड़ाई हो जाती है अथॉरिटीज और सब्सक्राइबर के बीच में तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ड्यूटीज बताएंगे, डेटाबेस को कैसे मेंटेन करना है ये बताएंगे। तो ये कुछ फंक्शंस है, जस्ट रीड करना है इसको, वी हैव टू जस्ट सिंपली रीड, पट्टा नहीं लगाना है, रीड करने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कैसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इस एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया है द नीड टू अक्रेडिट फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज और उससे रिलेटेड गाइडलाइंस बता रखी हैं ताकि लाइसेंसिंग हो सके टू इश्यू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इंटरनेशनली आल्सो। अब डिजिटल सर्टिफिकेट का बता रखा है, जैसे हमने पीछे चैप्टर 7 देखा था, सॉरी चैप्टर 6 देखा था सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के लिए, हम चैप्टर 7 देख रहे हैं डिजिटल सर्टिफिकेट
रीजनल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। तो 6 देखा हमने सर्टिफाइंग अथॉरिटी, 7 से चैप्टर 7 देख रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है, इसमें ड्यूटीज बता रखी है इस एक्ट के अंदर कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हैं उसमें ड्यूटीज क्या रहने वाली है। ठीक, पेनल्टीज के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर 9 बात करते हैं पेनल्टी के बारे में। देखो, अगर मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, तो चैप्टर जो आपको पता होने चाहिए वो है चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9। बस ये चैप्टर्स आप एक दो बार ही पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, जस्ट इन केस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बता रखे हैं क्या ऑफेंसेस है, क्या पेनल्टीज है अंडर आईटी एक्ट। ये एक्ट बोलता है पेनल्टी लगाता है कोई भी बंदा जो बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन एंगेज होता है एक अनऑथराइज एक्टिविटी में, किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो अनऑथराइज एक्सेस लेना हो, ठीक है, एक्सेसिंग और सिक्योरिंग कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क विदाउट परमिशन, चाहे आप डेटा चुरा रहे हो, कॉपी एक्सट्रैक्ट कोई स्टोर कर रहे हो डिवाइस, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरस डाल दे रहे हो, कंटेमिनेशन करना चाह रहे हो किसी कंप्यूटर में, डैमेज या डिसरप्ट कर रहे हो कोई डेटा या नेटवर्क, मतलब मेरा ही कंप्यूटर है मुझे डिनाइड एक्सेस है, डीडीओएस अटैक बोलते हैं, डिनाइल ऑफ एक्सेस बोलते हैं आईटी लैंग्वेज में, फैसिलिटेशन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, सर्विस चार्ज मैनिपुलेशन, आप किसी के सिस्टम के साथ टैम्पर कर रहे हो ताकि आप उनसे ज्यादा पैसे ले सको, ओके, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, टैम्पर कर रहे हो सोर्स कोड के साथ, क्योंकि वहां पे अगर गड़बड़ हो गई तो सब जगह जहां वो डेटा फ्लो हो रहा होगा वो भी गड़बड़ हो सकता है, इसमें कॉज डैमेज, या आप चुरा रहे हो, जैसे लाइबिलिटी बता रहे हैं कि बंदा अगर गिल्टी पकड़ा गया तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, जिस उस बंदे को कंपनसेशन देना पड़ेगा जिस जिस बंदे का वो हानि पहुंची है, ओके। तो एडजुडिकेशन क्या है, एक्ट प्रोवाइड कर रहा है एडजुडिकेटर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के बारे में, कम से कम जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो एक ऐसी रैंक का होना चाहिए जो कि डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक, तो द पर्सन हु सो एवर इज एडजुडिकेटर ऑफिसर इन आई टी एक्ट कैन नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पावर ऑफ सिविल कोर्ट, दीज ऑफिसर्स ऑफिसर्स हैव सिविल कोर्ट अथॉरिटी, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, जैसे कि सिविल कोर्ट के पास पावर है वैसे ही इस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास भी है, और वो भी जैसे कि सिविल कोर्ट एनफोर्स कर सकती है, पेनल्टीज ऑर्डर्स दे सकती है, वैसे ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी दे सकता है, ओके। अब अपील का क्या सिस्टम है, अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल टेलीकॉम देख लिया हमने, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल देख लिया हमारे पे, सेक्शन दे रखा है 48, सेक्शन हम नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे चैप्टर 10 बता रखा है, चैप्टर 6, 7, 9 एंड 10, ओके। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंदर हमारा यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल बना है, ओके। यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन पावर अथॉरिटी जो कि ग्रांट करी गई है आईटी एक्ट में, 2017 में अमेंडमेंट भी आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है नोटिफिकेशन के द्वारा कि क्या मैटर्स हैं, क्या लोकेशन है ज्यूरिसडिक्शन की अपीलेट ट्रिब्यूनल के, ओके। अब अपील का क्या प्रोसेस रहेगा, जैसे मान लेते हैं आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अंतर्गत आपका आया कोई प्रोसेस चल रहा था आईटी में, ओके, कोई केस चल रहा था, लिटिगेशन प्रोसीजर चल रहा था, और अब वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू आर अग्रीव्ड, तो आप कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो भी आपका केस देख रहा था वहां के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील लेके जा सकते हो अपीलेट ट्राइब्यूनल में, और अपीलेट ट्राइब्यूनल मैंने आपको बता दिया टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल है, आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। अपील लेके जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, अरे सॉरी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील लेके जाओगे, एक्सेप्ट किस केस में नहीं लेके जा सकते, एक्सेप्ट इन केस वेद ऑर्डर वाज मेड बाय कंसेंट, मतलब दोनों ही पार्टीज का ओके होने के बाद, कंसिलिएशन या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वाला, लेट्स से दोनों पार्टीज के कंसेंट के बाद अगर आप किसी नतीजे में पहुंचे थे जो कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो आप अपील नहीं कर सकते। टाइमलाइन कितनी है, 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर, हाउएवर अगर सफिशियंट कॉज है तो डिले यहाँ पर सुना जा सकता है, बट डे इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेम्बर, यहाँ से आप एग्जाम में एमसीक्यू पा सकते हैं।
ठीक है, हियरिंग डिसीजन एक बार रिसीट हुआ ट्राइब्यूनल के पास, दोनों पार्टीज की बात सुनी जाएगी, या तो बोल देंगे कि नहीं जो ये कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने बोला है उसी को हम कंफर्म करते हैं या चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कोई ओरिजिनल ऑर्डर को हटा भी दिया जाए। जो ट्राइब्यूनल कोशिश ये करेगा कि अपील जो है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर सॉल्व हो जाए, एक एक्सपीडियस प्रोसेस फटाफट। ओके, और ट्राइबल जो है जो भी रेलिवेंट पार्टीज हैं, जो पुराने कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं, उन सबको कम्युनिकेशन बताया कि भैया मेरा ऑर्डर ये है। ओके ना, इन्वेस्टिगेशन ये चैप्टर एड्रेस करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू टैम्परिंग विद डेटा, कंप्यूटर सोर्स, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंफॉर्मेशन आपने पब्लिश कर दी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ऑब्सीन है, ठीक है, आप कुछ हैक कर रहे हो। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा वो कौन सी रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, रैंक ऑफ इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो मैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर जरूर, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ओके इससे क्या होगा, इंश्योर करोगे कि लेवल ऑफ सीनियर ओवरसाइट द केसेस जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड है। अब एप्लीकेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक और ट्रंकेटेड चेक में, तो ई चेक है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट है ई मतलब फिजिकल चेक का, तो ये भी आईटी एक्ट के अंदर आ जाता है। और इसी तरीके से ट्रंकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप फिजिकली तो मूव होता नहीं है चेक, जैसे मैंने आपको चेक दिया आप गए अपने बैंक के पास, बैंक का फिजिकली नहीं पहुंचा रहा है मेरे बैंक के पास, बैंक इसकी 3 कॉपी बनाएगा, या फिर जब पीछे क्लियरिंग हाउस होगा इसकी 3 कॉपी बनाएगा इस चेक की, 2 ब्लैक एंड व्हाइट, 1 ग्रे स्केल, और ये आगे जाएगा फिर प्रोसेस होकर पैसे चल जाएंगे। टाइम भी कम हुआ और रास्ते में फोन है, ये कुछ गड़बड़ होने के चांसेस चेक लाइक सब्सटेंशियली रिड्यूस जाते हैं, बस इस फिजिकल चेक को वेयर हाउस में स्टोर। ठीक है, एंड विद दिस एंटायर आईटी एक्ट इज सॉर्टेड फॉर, वी आर डन। इतने ही कंसोलिडेटेड वे में हम पढ़ाई करेंगे, एंड बिलीव मी गाइज यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, सब कुछ जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है मैं इसे क्रिस्प मैनर में आपके पास लेकर आ रही हूँ, ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाए और एग्जाम के लिए रेडी हो पाए। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे अभी तक नहीं किया है, सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि पोस्ट द सेशन आप मेरे से बात कर पाए। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलती हूँ, जहाँ हम पढ़ेंगे कौन सा एक्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और मॉड्यूल डी हो जाएगा डन। ठीक है, मॉड्यूल डी इसी के साथ हमारा डन हो जाएगा। ओके, फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएम दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।